तो डायबिटीज है, इसका मतलब आप समझ लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो इसको कम करना है, तो मैंने बता दिया सबसे आसान उपाय है डालडा खाना बंद और रिफाइंड तेल खाना बंद, कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाए। तेल खाना हो तो शुद्ध तेल खाओ, मैंने कहा था घाणी का निकला हुआ तेल, चाहे तो शेंगा का, चाहे तो तिल का, चाहे तो नारियल का, चाहे तो करड़ी का, चाहे तो सरसों का, चाहे जो तेल खाना है सोयाबीन छोड़कर और पामोलिन छोड़कर, कोई भी तेल खाओ शुद्ध तेल खाओ, घी खाओ, तूप खाओ, देशी गाय के दूध का, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे रोग अपने आप ही खत्म होने हैं। जी बिल्कुल, कल मैंने जानकारी दी थी, फिर दोहरा देता हूं, सोयाबीन में प्रोटीन बहुत है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन जो प्रोटीन है उसको पचाने के लिए एंजाइम एक लगता है, वो एंजाइम मनुष्य के शरीर में नहीं बनता, वो एंजाइम पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ डूकर के शरीर में बनता है। तो डूकर अगर सोयाबीन खाएगा तो उसको हजम हो जाएगा, डूकर ही है जो सोयाबीन को पचा सकता है, बाकी कोई नहीं पचा सकता, इसलिए यूरोप के देशों में डूकरों को सोयाबीन खिलाया जाता है, फिर वो डूकर का मांस वहां के लोग खाते हैं। सूर्यफूल का चल सकता है, सूर्यफूल का तेल चल सकता है, लेकिन आप जिस क्षेत्र में रहते हैं इस भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से सबसे अच्छा तेल है वो शेंगा का, मूंगफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है, आप जहां रहते हैं, ये इलाका है यहां थोड़ी हवा खुश्क है, नमी वाला इलाका हो तो वहां पर ये तेल बहुत अच्छा होता है सूरजमुखी वाला, लेकिन आप ऐसे इलाके में नहीं रहते जहां नमी बहुत है, यहां की हवा में खुश्की है, सूखापन ज्यादा, तो इसलिए मूंगफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है। और दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा तेल आपके लिए है वो तिल का है, तिल का आप खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मूंगफली का।